हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने कहा कि हमारी हार्दिक इच्छा है कि सभी पार्टी के अग्रणी नेताओं को इकट्ठा करें और इकट्ठा करके एक के हाथ में देश की कमान सौंपने की बजाय लोगों के हाथ में कमान सौंपी जाए। विपक्षी एकता के हम कतई खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इसके पक्षधर हैं। पूर्व सीएम ने कहा है कि जो लोग सत्ता में बने बैठे हैं, जात पात धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। एक बात खास तौर से आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा होने के बाद 37% मुसलमान इस देश में रहते हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि पार्लियामेंट में 542 नुमाइंदे चुने जाते हैं, 542 में से भाजपा ने किसी भी एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। उन्होंने इशारे इशारों में साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिवाय नुक्ताचीनी के कुछ नहीं किया। अतीक अहमद एनकाउंटर पर पूछे गए सवाल के जवाब में एनएलओ नेता ने ये बातें कहीं। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दौरे पर कहा कि उनके हेलीकॉप्टर को कोई गांव में नहीं उतरने दे रहा है। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के दिए गए बयान पर पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने कहा कि जब भी कोई सत्ता से जुड़े व्यक्ति आपके इलाके में आए तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि हमारे देश पर जो इतना कर्ज हुआ है वह किस बात का हुआ। उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क गरीब मुल्कों की मदद होती थी, लेकिन आज सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती, बुजुर्गों की पेंशन समय पर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि देश की भलाई तभी हो सकती है जब भाजपा का सफाया होगा। हमारे राज्य में किसी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर एनएलओ की सरकार बनी तो आगे और भी बेहतर करने का काम किया जाएगा। इनेलो के रूठे हुए नेताओं कार्यकर्ताओं को मनाया जाएगा। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने यह भी कहा कि भाजपा जाति धर्म बिरादरी के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर सत्ता में आई है और अभी उसका यही सिलसिला बदस्तूर जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि कुदरत की मार से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन नूह में यह जिलों के मुकाबले कम नुकसान हुआ है। नूह जिले में गेहूं की फसल से ज्यादा सरसों की फसल को नुकसान इस जिले में हुआ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि हमने बीजेपी से भी गठबंधन किया था। मैंने नहीं कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, हमारे किसी से द्वेष नहीं है। जो पार्टी हमारा साथ देगी और लोगों की भलाई का काम करेगी उसके साथ हम रहेंगे, हम सौदेबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने बड़खली चौक पर आज रविवार को आयोजित दावत इफ्तार पार्टी के दौरान उक्त बातें पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहे। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। से मुलाकात की है, आप इसको कैसे देखते हो, क्या कहेंगे? हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम सभी राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेताओं को इकट्ठा करें और इकट्ठा करके एक के हाथ में देश के साथ सौंपने के बजाय लोगों के हाथ में सौंपने, अपने आप से बस बीजेपी तो नहीं। हमने तो बीजेपी से भी गठबंधन किया हुआ है। मैंने ये कहाँ कहा है कि हम नहीं करेंगे, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। जो पार्टी हमारा साथ देगी, लोगों की भलाई के काम करेगी, उसके साथ हम सौदेबाज नहीं है। आप 5 बार मरोड़ा में कट भी नहीं दिया सरकार ने, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जहाँ बना दिया वहां सोचा कि उनकी क्या हालत, कागजों में ही बनाया ना, पिछड़ क्यों के हाथ में। इसलिए चौटाला साहब युग से देख, मैंने अभी बताई फिर बता दूंगा कि ये लोग जो सत्ता में बने बैठे हैं, ये तो जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटने का काम करते हैं। एक बात मैं खास तौर से आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा होने के बाद 37% मुस्लिम आबादी है इस देश में। पार्लियामेंट में 542 नुमाइंदे चुने जाते हैं, 542 542 की सीट में से किसी एक भी मुस्लिम को जनता पार्टी के लोगों ने टिकट दिए तो बताओ, इस बात को लेकर के जाएंगे लोगों के पास। क्या किया है इन्होंने, वहां सिवाय नुक्ताचीनी करने के, लूट मचाने के कुछ नहीं किया। तो इसका जवाब दो क्या है सर, मुख्यमंत्री जा रहा है उसको तो कोई गांव में उतर हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देता। नमाज का वक्त हो गया, थैंक यू भाई। यही बात
और आपको कह रहा हूँ वो होंगी होंगे सुन ले कि अब के जब भी सत्ता पक्ष का कोई आदमी आपके यहाँ आए उससे एक ही सवाल पूछ लेना, आपको सारा जवाब मिल जाएगा कि हमारे देश में इतना कर्जा किस बात का है। जहां दूसरे गरीब मुल्कों की मदद किया करते थे आज हम सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी कर्ज ले रहे हैं, बूढ़ों की पेंशन काट करके खा रहे हैं। देश की हालत तो खराब होगी, इसलिए देश की भलाई तभी हो सकती है क्योंकि लुटेरों का दखल खत्म हो जाए। मेरे बताने की जरूरत नहीं हमारे वक्त में किसी को कोई तकलीफ थी क्या? नहीं की ना, फिर आगे और अच्छा करेंगे। अगर आपको ये यकीन है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का साथ देने के लिए सबको मनाओ। तो सर सभी विशेष प्रमुखता से निकलने की मेरी आदत नहीं, मैं अपनी पार्टी की नीतियों से आपको अवगत करा रहा हूँ। सर यूपी में और एनकाउंटर हुआ है तो उस वक्त की सारी बातें करके दिखाई क्या आपको और बताना था। जैसे मैंने अभी बताया भी है कि आज हमारे देश में लुटेरों ने देश की ये हालत कर दी है, तो लोगों का पैसा लूट के खड़े हैं। उनसे एक ही बात पूछ लेना कि कर्जा किस बात का है और अपने राज में कितना लाभ उठाया है, आपको सारा जवाब मिल जाएगा।